हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने आज का मेरा टाइटल पढ़ ही लिया होगा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पांच ऐसे हेयर स्टाइल जो हम फ्रंट पे करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि मेरे मोस्टली बाल ओपन ही रहते हैं और मैं फ्रंट में कोई छोटी सी हेयर स्टाइल करती हूँ। तो क्या होता है ना, किसी किसी को ज्यादा क्लिप्स लगाना पसंद नहीं होता है। मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं अपने बालों में बहुत ज्यादा क्लिप्स लगाऊं या कुछ लगाऊं। मुझे एक तो मैं रबर बांध के रखती हूँ एक ही, नहीं तो फिर मैं एक ही छोटी सी क्लिप्स लगाती हूँ, ऐसे ही कुछ करती हूँ। तो ऐसी कौन सी हेयर स्टाइल है जो हमें जब भी जल्दी में हो तो हम फटाफट बना सकते, जो हमारे फेस पे अच्छी भी लगे और हम मतलब उसको कैरी भी अच्छे से कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ पांच ऐसे हेयर स्टाइल बताने वाली हूँ, फ्रंट हेयर स्टाइल, जो हम फटाफट कर भी सकते हैं 60 सेकंड के अंदर, और वो हमारे फेस पे सूट भी करे, अच्छे से भी रहे और वो मतलब काफी टाइम तक रहे भी। तो चलिए देखते। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने अपने बाल ओपन कर लिए। मैंने पहले की थी वो हेयर स्टाइल निकाल दिए और मैं ज्यादा से ज्यादा वन साइड ही हेयर स्टाइल यूज करती हूँ। तो मैं वही आपके साथ शेयर करने वाली। क्या होता है ना, कभी कभी हमें बाल ऐसे कैरी करना नहीं जो होता है, किसी किसी को नहीं जमता है, मुझे भी नहीं जमता है कि मैं ऐसे कैरी करूँ। कोई कोई लोग बहुत अच्छे से कैरी कर लेते हैं ऐसे बाल, बट मुझे नहीं जमता है। तो जिनको नहीं जमता है उनके लिए ये हेयर स्टाइल्स है। तो चलिए देखते हैं वो फटाफट होने वाले हेयर स्टाइल्स। तो अगर आप ऐसे आपके बाल है ना, तो आप क्या कर सकते है, ऐसा एक सेक्शन ले सकते, फिर उसके बाद आप दूसरा सेक्शन लेके इसमें ऐसे गोल घुमा सकते, फिर आप तीसरा लीजिए, फिर आप इसमें अटैच कीजिए, फिर आप और एक लीजिए सेक्शन, फिर आप ऐसे कीजिए, और ये देखिए कुछ इस तरह से हेयर स्टाइल बन जाती है हमारी फ्रंट की। और ऐसे ऐसे थोड़ा सा राउंड कीजिए, आप अंदर के साइड पिनअप कीजिए। पिनअप करते टाइम कभी भी आप अंदर के साइड किया कीजिए, बाहर मत रखा कीजिए, वो अच्छा नहीं दिखता है। और आप एक या दो पिन से सिक्योर कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने कर लिया एक ही पिन से सिक्योर, और आप थोड़ा सा ये कर लीजिए, और यहाँ के जो आगे के बाल है वो थोड़ा सा ऐसा निकाला कीजिए, वो काफी अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए मेरी काफी हद तक अच्छी हो गई और काफी अच्छी लग रही है। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। तो ये देखिए वन साइड हम ऐसे एक हेयर स्टाइल कर सकते हैं, इससे हम अच्छे से बाल कैरी भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी रख सकते हैं या हम ऐसे भी रख सकते हैं वन साइडेड। अब ये देखिए ऐसे, तो वो भी काफी अच्छा लगता है। तो चलिए अभी दूसरी करते हैं, एक हो गई। तो आप ऐसे बाल ले सकते हैं डायरेक्ट पूरा सेक्शन, जितना आपको लेना है वो हिसाब से, और आप अच्छे से इसको राउंड राउंड कीजिए कुछ इस तरह से, और आप थोड़ा सा ऐसा पफ बनाने की ये कीजिए। ये देखिए ऐसा ऊपर से आप पफ निकालिए और फिर इसको अंदर के साइड सिक्योर कर दीजिए, और ये देखिए तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिखती है हेयर स्टाइल। तो मोस्टली सेम ही है मुझे पता है, बट यस कि हम कभी ऐसी कभी वैसी ट्राई कर सकते हैं। तो इसीलिए ये देखिए ये कुछ आप इस तरह से सिक्योर कर लेंगे। तो ये अगर आप वन साइड भी रखते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगी, ये देखिए। और इसे ना हम जीन्स के ऊपर या लेगिंग्स टॉप के ऊपर, या अगर आपने कोई ड्रेस पहना है तो आप किसी के भी ऊपर कैरी कर सकते हैं ऐसे हेयर स्टाइल्स। तो ये मुझे काफी अच्छा लगता है ऐसे वाले हेयर स्टाइल बनाना। और आप लोगों को पता है मेरे मोस्टली मैं ऐसे कोई हेयर स्टाइल बना के बैठी रहती हूँ जब भी मुझे आपसे बात करनी होती है या कोई वीडियो शूट होता है। तो ये देखिए ये सेकेंड हो गई, और थर्ड वाली हेयर स्टाइल हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। आप एक का अंदर से थोड़ा सा सेक्शन लीजिए, बाहर से नहीं। ये देखिए मैंने ये अंदर के साइड का सेक्शन लिया है, आप अच्छे से कॉम करके लीजिए, ये देखिए कुछ इस तरह से, और ये थोड़े से बाल छोड़िए। अगर आप लाइन में ले सकते तो अच्छे से लाइन में लीजिए, नहीं भी लिया तो भी इतना कोई दिख नहीं जाता है। तो इसको ऐसे आप राउंड राउंड कीजिए और थोड़ा सा पफ करने की कोशिश कीजिए,
ये देखिए ऐसा, और इसे आप अंदर के साइड सिक्योर कर लीजिए पहले। फिर उसके बाद आप ये वाला सेक्शन लीजिए, ये आपने देखा मैंने थोड़े ऊपर तक ही लिए, सिर्फ ये वाला थोड़ा सा नीचे तक लीजिए। और ये भी कुछ इस तरह से सिक्योर कर लीजिए, ये भी कुछ इस तरह से राउंड राउंड कीजिए। और इसके नीचे के साइड आप इसे पिन अप कीजिए थोड़ा सा पफ ऐसा करके, ये देखिए। तो ये देखिए, ये कुछ ऐसे दो अलग अलग आप बना सकते हैं कुछ इस तरह से, और ये भी काफी अच्छे लगते हैं हमें। ये देखिए, आप ऐसे वन साइड भी रख सकते हैं, या अगर आपको नहीं तो आप अंदर भी कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से होते हैं। अब हम चौथे हेयर स्टाइल देखते हैं। तो हमें करना क्या है ना, अंदर के साइड से थोड़ा सा ऐसा एक सेक्शन लेना है जिसे बटरफ्लाई कर बोलते हैं हम, बटरफ्लाई हेयर स्टाइल। तो वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। तो इससे हम ऐसे जो हम चोटी बनाते हैं तीन इसकी वाली, वैसे हम कर सकते हैं। और ये देखिए, इसे हम करके फिर आगे के बाल इसमें अटैच कीजिए। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप एकदम लाइन लाइन से सेक्शन लीजिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप थोड़े से बड़े बड़े सेक्शन लीजिए। मोस्टली आप लोगों को लग रहा होगा सारे हेयर स्टाइल सेम ही है, बट यस थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, बस हेयर स्टाइल करने की टेक्निक थोड़ी सी अलग है, बाकी सेम ही है। और मैं वन साइड करती हूँ तो मैं इसी तरह से करती हूँ, तो मैंने जैसे कहा मैं अपने एक्सपीरियंस ही शेयर करती हूँ। इसको बनाने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है 2-3 मिनट का, बट यस ये अगर बनती है तो काफी अच्छी लगती है। तो इसे आप बीच में से भी क्लिप कर सकते हैं, नहीं तो आप पूरा नीचे तक ले बाल लेके भी कर सकते हैं, वो भी काफी अच्छी लगेगी। अगर आप ड्रेस वगैरह कोई कैरी करते तो आप ऐसे नीचे तक पूरा कीजिए तो उसमें बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। और पीछे के साइड आप थोड़ा सिक्योर कर लेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरह से, और थोड़े से और नीचे आप ये बना लीजिए चोटी। तो इसे बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है 1-2 मिनट का, बट यस ये जब बनती है तो काफी अच्छी लगती है। और इसे भी फिर अंदर के साइड सिक्योर कर लीजिए। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से दिखती है। आप थोड़ा सा इसको ऐसे फुला के भी रख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ से भी आप खींच सकते हैं। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से दिखेगी। तो मैं वन साइड ज्यादातर करती हूँ, ये साइड में नहीं करती हूँ मोस्टली, क्योंकि मुझे ज्यादा क्लिप्स वगैरह लगाना मैंने जैसे कहा पसंद ही नहीं इसीलिए। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से आप टाइट करेंगे तो अच्छा है, अगर आप थोड़ा सा लूज रखेंगे तो थोड़ा सा ऐसे लुक आएगा। तो अभी हम देखते हैं पांचवी हेयर स्टाइल जो मैंने कहा। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 सेक्शन निकालेंगे अंदर के साइड से, और फिर उसके बाद 1 सेक्शन में हम थोड़े से आगे के बाल निकालेंगे, ऐड करेंगे और इसको ट्विस्ट करेंगे। फिर ये जो दूसरा सेक्शन है उसमें हम थोड़े से बाल ऐड करेंगे और ट्विस्ट करेंगे। फिर हम पहले वाले सेक्शन में फिर हम और थोड़े बाल ऐड करके ट्विस्ट करेंगे, ऐसे हम लास्ट तक करते जाएंगे। कुछ इस तरह से
आप इसे थोड़ा सा लूज रख सकते हैं, थोड़ा टाइट कर सकते हैं, एज यू विश, मतलब जैसे आपको सूट करता होगा आपके फेस पे। अगर एकदम टाइट अच्छा लग रहा होगा तो आप उस तरह से, अगर आपको लग रहा है कि आपके फेस पे थोड़ा लूज रखो तो ज्यादा बेटर दिख रहा है तो कुछ उस तरह से आप रख सकते हैं। जो चोंचे वाली हेयर स्टाइल है ना बटरफ्लाई वाली, उससे ये मैच करती है, बट ये थोड़ी सिंपल है, उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है तो ये थोड़ा जल्दी हो जाती है, वो उसी में से एक है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से, फिर इसे ट्विस्ट ट्विस्ट कर दीजिए आप, जिससे आपका अंदर का लुक भी अच्छा आएगा, जो आप जहाँ पिन अप कर रहे हो वहाँ पे। तो ये देखिए, तो इसको ना आप ऐसे बाहर से भी पिन अप कर सकते हैं जस्ट इस तरह से, अगर आपको करना हो तो। और अगर आपको लगता है कि आपको बाहर से नहीं करना है तो फिर आप अंदर से कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये देखिए इसका कुछ इस तरह से लुक आता है। और ये देखिए इसके ना सेक्शन भी दिखते रहते हैं, अगर आप थोड़ा सा और कम सेक्शन लेंगे तो आपको और यहाँ के जो सेक्शन है वो दिखेंगे। तो ये देखिए इस, ये अगर आप करते हो तो कुछ इस तरह से दिखता है। और ये आप, मैंने जैसे कहा ये पांचों भी हेयर स्टाइल आप ड्रेस के ऊपर, जींस के ऊपर, किसी के ऊपर भी कैरी कर सकते हैं अच्छे से। और जिस तरह से आपको सूट करता होगा कि थोड़ा लूज रखने के बाद या टाइट रखने के बाद, तो आप वो देख सकते हैं। तो ये था आज का मेरा वीडियो, आई होप आप लोगों को मेरे हेयर स्टाइल पसंद आई होगी। काफी सिंपल थी, काफी लोगों को पता भी होंगी, ऐसा नहीं है नहीं, बट जिनको पता नहीं होगी या जिनको आते नहीं होंगे उनके लिए मैंने ये शेयर किया है कि ये हम फटाफट कर सकते हैं, जो कि एक मिनट में हो जाता है। क्योंकि मैं जब कॉलेज में जाती थी तो मेरे साथ भी यही होता था कि मुझे कभी कभी जमता नहीं था और कॉलेज में जाने के लिए लेट होता था, तो हम फटाफट क्या करें समझ में नहीं आता था। तो मैं क्या करती थी पता है, पूरे वाले से ऊपर के लेती थी और एक क्लचर लगा देती थी बस, और भागती थी स्कूल कॉलेज के लिए। तो ऐसा करना पड़ता था। तो हमें अगर कोई हेयर स्टाइल करनी फटाफट तो हमें ये कर सकते कि कभी सिर्फ ऐसा लगा लिया, कभी दो ट्विस्ट कर लिए, कभी एक ट्विस्ट कर लिया, कभी तीन का कर लिया बटरफ्लाई वाला, ऐसा कुछ कर ले सकते हम। तो ये देखिए, आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आते होंगे तो प्लीज शेयर किया कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और मेरे प्लेलिस्ट जाके चेक किया कीजिए। उसमें मैंने बहुत अलग अलग तरह के वीडियोज बनाए है और बहुत अलग अलग सेक्शन बनाए है, फोल्डर बनाए। तो उसमें अगर आपके किसी काम का वीडियो हो तो वो आपको उसमें मिल सकता है, अगर आप कुछ सर्च कर रहे और इतने सारे वीडियोस देखने को आपको मतलब कंटाला आएगा, या आपको इतने सारे वीडियोस में सर्च करना वो मतलब थोड़ा हार्ड हो जाएगा, तो आप प्लेलिस्ट देखिए, प्लेलिस्ट में आपको हर सेक्शन अलग अलग मिल जाएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।